माय नेम इज पल्लवी ओझा एंड आप मुझे देख रहे हैं एग्जाम्स कार्ड पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आने वाली। सो हियर इट इज, लेट्स डिस्कस सम अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड ऑफ प्रोनाउन। लेट्स क्विकली बिगिन। फैक्ट नंबर 1, 2 एंड 3 को हम कंबाइंड करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जो इट होता है that is used to emphasize any part of a sentence as well. Everybody here knows कि it जो होता है वो non-living चीज़ों के लिए भी use किया जाता है, but क्या आप जानते हैं इसको आप emphasize करने के लिए भी use करते हैं। It was she, ये वही थी जिसने decide किया था we should go to Mumbai, it was she. तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने it को जो है emphasize करने के लिए use किया है। Can you see the translation? ये वही थी, हाँ ये वही थी जिसने decide किया था। Possessive pronoun जो है वो ownership को show करते हैं, तो उस केस में जो आप apostrophe s नहीं use करते, already possession को show करता है, तो आपको उसके साथ में फिर से apostrophe use करने की जरूरत नहीं। तो अगर आप ऐसा structure use करते हैं ये गलत होता है, आप simply his रखेंगे। क्या आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद में आप हमेशा प्रनाउन यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है हिम, हर, मी, आस, यू, देम, इट, ऐसा कुछ यूज करेंगे। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, अ टास्क फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट फैक्ट, इन केस ऑफ कंपैरिजन इट इज डन बिटवीन सिमिलर स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं ये कहती हूँ लोकेश इज टॉलर देन मी, तो बच्चों यहाँ पे लोकेश और मेरे में कंपैरिजन हो रहा है, तो आप मी यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस है, परफेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा आई एम टॉल, बट मैंने कहा लोकेश मुझसे ज्यादा टॉल है। क्या यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट और कुछ नजर आ रहा है? टॉल तो एडजेक्टिव होता है और ऑब्जेक्ट आप जानते हैं इधर नाउन या प्रनाउन होता है, तो सेंटेंस में कोई तो प्रनाउन होना चाहिए। इस सेंटेंस में प्रनाउन आपका मी है। और अगर मैं देन की बात करूं तो देन यहां पे प्रेपोजिशन है, और यही मैंने आपको जो है लास्ट फैक्ट में बताया था कि प्रेपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्टिव केस प्रनाउन कैरी करता है, राइट? बट यही देखिए इस क्वेश्चन को, लोकेश लव्स यू मोर देन आई डू। मैं इसको पैराफ्रेज करती हूं, इसको डिकोड करती हूं आपके लिए। आई लव यू एंड लोकेश लव्स यू। माई डियर, इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तो आपका यू है, मतलब कि मैं अगर यहां पे मी लिख दूं तो वो गलत हो जाएगा। आई कांट से लोकेश लव्स यू मोर देन मी, राइट? वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना। तो यहां पे ये जो देन है इट्स एक्चुअली अ कंजंक्शन, इट्स नॉट अ प्रेपोजिशन, क्योंकि वो अपने साथ में आई डू कैरी करेगा। इट इज गोइंग टू कैरी इट विद इट आई डू। ही हैज मोर टैलेंट देन यू थिंक ही डज। आप देख सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्लॉजेज हेयर, अगेन देन इज हेयर अ कंजंक्शन, इट्स नॉट अ प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने मतलब ऑब्जेक्टिव केस लेता है, यू यहां पे सब्जेक्ट है, क्योंकि यू थिंक वर्ब कैरी कर रहा है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि दैन प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। डिफरेंस देखो, मैंने यहां पे आपको क्लियर कर दिया है, लोकेश लाइक्स हिज नेबर मोर देन हर। अगर मैं हर यूज कर रही हूं मतलब कि लोकेश लाइक्स हिज नेबर मोर देन ही लाइक्स हर, ही मस्ट बी समबडी एल्स, लेट्स से ही तो ठीक है यहां पे, मैं इसको लेती हूं, लेट्स से मैं ही को बनाती हूं यहां पे शिवानी, यहां पे ही लोकेश है, परफेक्ट, ठीक है। लोकेश लाइक्स हिज नेबर, लोकेश लाइक्स शिवानी, तो शिवानी से ज्यादा लोकेश नेबर को लाइक करता है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि शिवानी तो ऑब्जेक्ट हो गई ना, दैट्स व्हाई आप हर ले रहे हैं। बट ये सेंटेंस देखिए, लोकेश लाइक्स हिज नेबर मोर देन आई लाइक हिज नेबर। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, ऑब्जेक्ट नंबर वन, ऑब्जेक्ट नंबर टू।
बट इस सेंटेंस में आपको एक्चुअली दो सब्जेक्ट मिल रहे हैं और ऑब्जेक्ट आपका सेम है, सब्जेक्ट नंबर वन, सब्जेक्ट नंबर टू, बट ऑब्जेक्ट आपका दोनों ही केसेस में सेम है। तो जब ऑब्जेक्ट सेम होता है और सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो आप जो है दैन एज कंजंक्शन लेते हैं। जब दैन एज कंजंक्शन लेंगे तो आप उसके पीछे वर्ब कैरी करेंगे। बट जब आपके सब्जेक्ट सेम होते हैं बट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने साथ में आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन कैरी करेगा, तो दैन इस केस में प्रेपोजिशन बन जाता है। हेयर दिस इज अ प्रेपोजिशन। डू नॉट वरी, हम और भी वीडियोस लेके आएंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज पुट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई एम हेयर टू हेल्प यू। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जी हाँ, आप चाहे प्रेपोजिशन को शुरुआत में ले लीजिए, बीच में ले लीजिए, लास्ट में ले लीजिए, उसके बाद अगर आप प्रोनाउन यूज करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अच्छे समझाया है, प्लीज चेक माय नाउन का वीडियो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। पूरी प्लेलिस्ट प्रिपेयर की गई है, हमारी ग्रामर इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे सारा डे वन से टॉपिक वन से सबको समझाया जा रहा है। प्लीज गो इन सीरियल ऑर्डर ओनली। अब देखिए, मैंने बिटवीन को सेंटेंस के बिगनिंग में यूज किया, कैन यू सी दिस? तो बिटवीन तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ में जो है आप ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, तो यहां पे आप मी यूज करेंगे, आई जो होगा वो गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अपने साथ में डिटर्मिनर लेता है। अगर आप कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के आगे डिटर्मिनर एडजेक्टिव यूज करना चाहें तो हमेशा ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनर होगा। आप उसके साथ में बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस के साथ आप डिटर्मिनर लेते हैं, सब्जेक्टिव केस के साथ आप डिटर्मिनर नहीं लेते, मेरे कहने का मतलब ये है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस नहीं यूज किए जाते हैं डिटर्मिनर से पहले, आप हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ईजी कारण है, एक्चुअली बहुत ही ईजी रीजन है। रिया इज मोर जेनरस देन वी बोथ। बच्चों अगर आप वी ले लेते हो तो वी की वर्ब कहाँ पे है? देन तो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है, आप देख सकते हैं। रिया इज मोर जेनरस देन अस ऑल और रिया इज मोर जेनरस देन अस बोथ। अगर मैं बात करूं डिटर्मिनर्स लाइक फ्यू, लिटिल, ऑल, बोथ एंड देन सेवरल अदर्स एज वेल, आप इनको एज प्रोनाउन भी यूज कर सकते। एक तो मैंने कहा फ्यू बॉयज, एक मैंने कहा लिटिल वाटर और लिटिल टाइम, और एक मैंने कहा ऑल गर्ल्स और मैंने कहा बोथ बॉयज और बोथ द चिल्ड्रन। इन सारे केसेस में डिटर्मिनर है एडजेक्टिव से, बट क्या आप जानते हैं मैं इनको एज प्रोनाउन भी यूज कर सकती हूँ। सम डिटर्मिनर्स कैन ऑल्सो बी यूज एज प्रोनाउन। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव का ही रूप होता है एक, ये चीज़ों को डिटरमाइन करने का, उसको स्पेसिफाई करने का काम करते हैं कि वो कितने हैं, कैसे हैं, किस लिए हैं और किसके हैं। मतलब आप डिटर्मिनर्स को विदाउट अ नाउन भी यूज कर, जैसे मैंने कहा फ्यू बॉयज, आप सिंपली फ्यू को भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी फ्यू ऑफ हिज बुक्स आर वर्थ रीडिंग। वेरी फ्यू, मैंने ये नहीं कहा वेरी फ्यू बुक्स ऑफ हिज, मैंने कहा वेरी फ्यू ऑफ हिज बुक्स। अगर मैं ऐसे कहती वेरी फ्यू बुक्स ऑफ हिज आर वर्थ रीडिंग, इस केस में फ्यू आपका डिटर्मिनर होता क्योंकि वो अपने साथ में नाउन कैरी कर रहा है, राइट? बट इस क्वेश्चन में आप देखिए तो प्रेपोजिशन कैरी कर रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन हो गया। ओनली अ फ्यू आर, ओनली अ फ्यू तो अपने साथ वर्ब कैरी कर रहा था, ये प्रोनाउन हो गया। दे ऑल इंजॉयड इट, यहाँ पे ऑल क्या है, ये प्रोनाउन है। ये कैसे टाइप का प्रोनाउन है? ये दे के लिए यूज किया जा रहा है। अगर ऑल को रिमूव भी कर दे सेंटेंस से तो सेंटेंस में मीनिंग चेंज नहीं करेगा, ये होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। आप जानते हैं ना इम्फैटिक प्रोनाउन किस लिए यूज किया जाता है? चीजों पे, किसी नाउन या प्रोनाउन पे स्ट्रेस डालने के लिए यूज किया जाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए, उसको इंटेंसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। दे हैव ईटन इट ऑल, ये ऑल किसके लिए यूज किया गया? अगेन इट के लिए यूज किया, तो ये भी क्या होगा, इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। ऑल ऑफ द फूड हैज गॉन, ऑल ऑफ द फूड हैज गॉन, यहां पे ऑल क्या है, अगेन प्रोनाउन है। फैक्ट्स 8, रूल ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। लेट्स हैव अ लुक। जब भी आप पर्सनल प्रोनाउंस, मतलब कि आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, मी, अस, यू, देम, हिज, हर को सिंगुलर
यूज करते हैं. बेसिकली आप ओनली आई यूज कर रहे हैं, आप यू यूज कर रहे हैं, आप ही यूज कर रहे हैं, शी यूज कर रहे हैं, इट यूज कर रहे हैं, आप प्लूरल नहीं यूज कर रहे हैं. और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज हो रही है, यहाँ पे आप कोई जो है क्रेडिट रिसीव कर रहे हैं, मतलब आप कोई तारीफ ले रहे हैं, आप किसी चीज का जो है अप्रिसिएशन ले रहे हैं. तो इंग्लिश इज अ वेरी मॉडेस्ट लैंग्वेज. वो क्या करता है, जो स्पीकर होता है ना, जो खुद बात कर रहा है, उसको सबसे पीछे रखता है. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है 2-3-1 का, मतलब कि जब भी आपको सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन साथ में मिले, तो आप यही ऑर्डर रखेंगे, यू ही एंड आई, यू शी एंड आई. मान लीजिए कि अब इसमें आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं. अगर मान लीजिए कि सेकेंड और फर्स्ट पर्सन मिले तो 2-1 का ऑर्डर होगा, यू एंड आई. अगर सेकेंड और थर्ड का ऑर्डर मिलेगा तो यू एंड ही. और अगर आपको थर्ड और फर्स्ट पर्सन का ऑर्डर मिलेगा तो ही एंड आई का कॉन्सेप्ट होगा. आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस पॉजिटिव है, यू ही एंड आई हैड गॉन ऑन हॉलीडेज, यू शी एंड आई हैव फास्ट फ्रेंड्स. बट व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, एक्सेप्टिंग गिल्ट, गलती एक्सेप्ट करने पे आप अपने आप को सबसे आगे रखेंगे और आप क्या लेंगे, 1, 2 and 3. ये बात हुई अगेन जब आप सिंगुलर या प्लूरल यूज करते हैं. अब अगर आप प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है, मतलब आप वी यूज कर रहे हैं, आप यू यूज कर रहे हैं, आप दे यूज कर रहे हैं, तो चाहे तो गिल्ट हो या क्रेडिट हो, आप हमेशा जो है 1, 2, 3 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. वी यू एंड दे विल ऑल विल गो फॉर अ मूवी. आप देख सकते हैं सबके सब प्लूरल है, पॉजिटिव है, आप 1, 2, 3 का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं. वी एंड यू विल अरेंज द पेमेंट. बेसिकली हमें क्या समझ में आता है, अगर सिंगुलर आपके प्रनाउन है और कोई पॉजिटिव केस हो रहा है तब आप 2, 3, 1 का कॉन्सेप्ट लेंगे, चाहे नेगेटिव है, चाहे आपका प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल में आप नेगेटिव है, प्लूरल में आप पॉजिटिव है, तो आप 1, 2, 3 का ही कॉन्सेप्ट लेंगे. सो हेयर फाइनली आई कंप्लीट द टॉपिक, द चैप्टर ऑफ प्रनाउन. लेट्स हैव अ होमवर्क. ये है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस. आई रियली होप दैट यू एंजॉय टुडेज सेशन. इन क्वेश्चंस के आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में एंड आई विल बी देयर टू लुक एट योर आंसर्स. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. देख सकते हैं, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, करंट अफेयर्स, मैथ्स, GK, यू नेम इट एंड वी हैव इट. अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स कार्ड इज हेयर फॉर यू. लेट्स क्रैक विद अस. आई एम पल्लवी ओझा, योर इंग्लिश कोच. यहां पे सिर्फ आपको ग्रामर इंग्लिश ही नहीं, प्रोनंसिएशन और न जाने क्या क्या सीखने को मिलेगा. फॉलो मी हेयर फॉर मोर अपडेट्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज रीच आउट टू अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर एनी डिटेल. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.